कई योजनाओं के लिए लंबित धनराशि को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी लगातार केंद्र सरकार को घेरती आई है। इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ टीएमसी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। वही केंद्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। आरोपों के बाद से ही पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। वही शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वित्तीय बकाए की मांग पर बात करने के लिए वह दिल्ली का दौरा करेगी। पीएम मोदी से उन्होंने 18 से 20 दिसंबर के बीच के दिनों का समय भी मांगा है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसी के लिए कि 18, 19 और 20 के मैं एनी डे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के टाइम मांगा कि हम हमारा साथ फ्यू एमपीज को लेके हम मीट करने चाहती हूँ कि हमारा 100 दिन का काम का रुपया नहीं दिया है और 100 दिन का काम पे जो काम किया है उसका रुपया भी नहीं दिया गया है और हमारा 1,15,000 मनी हमारा रुक के रखा है। हेल्थ में भी टाकर रुपया देना हमारा शेयर देना बंद कर दिया है। हमारा बांग्लाबारी करने के लिए जो शेयर था हमारा वो भी बंद कर दिया। हमारा ग्रामीण रास्ता का भी शेयर बंद कर दिया। हॉस्पिटल का शेयर जो हेल्थ का भी मिलता है हमारा जो हमारा शेयर से मेरे को उसका रुपया नहीं चाहिए लेकिन हमारा जो शेयर है हॉट स्टेट का अगर मिलता है तो हमारा क्यों नहीं मिलेगा। इसी के लिए हमने टाइम मांगा। अगर टाइम देते हैं तो ठीक है लेकिन हम तो जरूर जाएंगे। हम 17 को इवनिंग में दिल्ली जाएंगे और हम 18, 19, 20 हम देखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है नहीं तो हमारा जो करना है हम तो करेंगे।